हेलो एवरीवन, इट फील्स सो गुड टू बी कनेक्टेड टू यू ऑल। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लाई हूँ और वो है डिप्रेशन। ये लफ्ज़ सुनकर ही दिल बैठ जाता है ना? पर हमने इस लफ्ज़ से डरना नहीं है, इस बीमारी को डराना है, भगाना है, इसको अपने ऊपर तारी नहीं होने देना। चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और उनका हल तलाश करते हैं, पर ये आपकी फ़ीडबैक और राय के बग़ैर बिल्कुल मुमकिन नहीं। मेरा प्रोग्राम देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले डिप्रेशन होता है फारिग रहने से। अगर इंसान फारिग है तो इंसान के दिल में दुखी ख्यालात और डिप्रेसिव ख्यालात आएंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को बिज़ी रखें, मसरूफ़ रखें। ये मसरूफ़ रखा जा सकता है अपने ही छोटे छोटे कामों से। अगर आप अपने छोटे छोटे काम खुद करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी को चुस्त रहने की आदत होगी। मैं अपने बच्चों को ताकीद करती रहती हूँ कि अपने सारे काम खुद करने की कोशिश करो, हिलो जुलो, अपने आप को बिज़ी रखो, पानी पियो, अपना बेड बनाओ, ट्रॉली लगाओ, ट्रॉली उठाओ, ऐसे काम खुद करो ताकि बॉडी और माइंड ट्यून्ड इन हो जाएं काम करते रहने के। एंड अल्टीमेटली डिप्रेसिव फीलिंग स्टार्ट गेटिंग सप्रेस्ड। दूसरी वजह डिप्रेशन की नज़र आती है अकेलापन। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों से मिलते जुलते रहें तो इस अकेलेपन से बचत हो सकती है। माना कि डिप्रेशन वो बीमारी है जिसमें लोगों से मिलने से दिल उचाट हो जाता है, लेकिन आप जैसे तैसे करें, अपने आप को पुश करें, एक या दो मखसूस लोगों से ज़रूर मिलते रहें। आइदर वंस इन टू वीक्स और वंस अ मंथ हो, आप उनकी तरफ जाएं, कहीं बाहर गेट टुगेदर करें या उनको अपनी तरफ बुला लें। इससे आपको लोगों में बैठने की आदत रहेगी और आप अपने अलावा भी किसी और के बारे में सोचेंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विल पावर होना या हौसला ना छोड़ना। कुछ लोगों में बहुत कम हौसला होता है और डिप्रेशन इन्हीं लोगों पर तारी हो जाता है। तकलीफ़ों से, मुश्किल हालात से कौन नहीं गुज़रता, लेकिन अगर आपने हौसला ही छोड़ दिया तो ऑनेस्टली ज़िंदगी की तगो दौ का क्या फ़ायदा। ये हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला लाना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, वरना आप दुखी और तन्हा भी रह सकते हैं। अपनी बेहतरी के लिए अगर आपको अपना ज़रा सा भी ख्याल है तो ये हौसला लाएं, चीज़ों को एब्जॉर्ब करें। हर बात पे दुखी होने या एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स को जगा दें। ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम्स और शोज और लेक्चर्स किए हैं, लेकिन मेरी आपसे एक सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, लुक आफ्टर योर सेल्फ फॉर योर ओन गुड। अपने जिस्म और दिमाग का खुद ख्याल रखें तो आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम भी करती चलूं। अपनी होस्ट मेहरीन को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मेहरीन्स कॉर्नर एंड स्टे ट्यून्ड टू बागी टीवी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़।